click on. नहीं इन सॉरी 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 इलस्ट्रेशन दूसरा चीज है चार्ट इन चार्ट ग्रुप काटो इन चार्ट ग्रुप क्लिक ऑन चार्ट ये आपका स्टेप है इन द ग्रुप ऑफ चार्ट चले एक्सेल पर ठीक सारा डेटा साफ साफ दिख रहा है क्या याद रखना है करना क्या है पहले सारे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए फिर रिपीट कर रहा हूं सारे डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए कोई दिक्कत अब जाना है यहां चार्ट के बहुत वैरायटी है बुक में भी लिखा हुआ है मैं आपको बुक शो कर देता हूं जो अभी आपको आपके क्लास में मैंने आपको कुछ बातें बताई थी कि ये इस बार के इंपॉर्टेंट होंगे देखिए पहला है कॉलम चार्ट है कॉलम चार्ट ठीक लाइन चार्ट है पाई चार्ट है बगल में बार चार्ट है ये डाउनट है तो डाउनट आपको इस वाले एरिया में मिलेगा आइए मिला डाउनट ठीक बबल चार्ट रडार चार्ट यहाँ रडार चार्ट भी आपका रडार चार्ट ठीक स्कैटरी चार्ट ये भी होगा स्कैटरी चार्ट भी है यहाँ पर और एरिया चार्ट तो यहाँ है एरिया चार्ट यहाँ स्कैटर तो सारे बुक वाले चार्ट आपको दिखाई दे रही है जिसमें से मैंने चार आपको इंपॉर्टेंट दिए हैं इस सेशन के बात समझ में आ गया चलिए तो आपको बस करना क्या है नॉर्मली पहले मैं कॉलम शुरू करता हूँ कॉलम में किसी भी कॉलम वाले पर क्लिक कर देना क्या करना है फिर मैं वापस जा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि मैं कुछ और बोल गया पहले क्या करना है डेटा सेलेक्ट कर देना दिमाग में वो चीज आ जाए समझ में आ जाए रटे नहीं आप ठीक है अब इंसर्ट में जाएंगे चार्ट का ग्रुप ढूंढेंगे मिल गया कॉलम चार्ट पर तो सबके नीचे देखिए एरो लिखा हुआ है लगा हुआ है इसके नीचे एरो नहीं है मतलब इसके नीचे और मेनू नहीं होगा लेकिन इसके अंदर मेनू होगा जैसे क्लिक करोगे तीर पर देखो तो मेनू आ गया लेकिन इस पर क्लिक करो कोई मेनू नहीं आएगा वो कमांड खुल जाएगा देखो ये कुछ बना दिया कुछ बना दिया बात समझ में आ रहा तो हम इंसर्ट पर जाएंगे कॉलम पर जाएंगे किसी एक कॉलम पर क्लिक करेंगे चार्ट बन गया कोई दिक्कत अब इसको समझा देता हूँ देखिए तो ये एक्सेस है यानी कि सबसे मैक्सिमम डेटा 69 है या 98 है इसने डेटा कितना ले लिया 120 बात सही है अच्छा सबसे मैक्सिमम और सबसे